हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 10th बोर्ड के लिए जो नया सिलेबस जारी किया गया, उसमें अपने सामाजिक विज्ञान में कितना सिलेबस कम हुआ है। नया तो ऐड कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कितने पार्ट आपको नहीं पढ़ने हैं, कम हुए, उनके बारे में हम बात करेंगे। ये आपकी चारों किताबें हैं, समकालीन भारत, भारत और समकालीन विश्व, लोकतांत्रिक राजनीति, आर्थिक विकास की समझ। ये चार किताबें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। पुरानी किताबें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनमें से कुछ टॉपिक जो हटाए गए हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं, और नई किताबें खरीद ली जो सिलेबस 2023-24 के अनुसार है, तो आपको फिर दिक्कत नहीं है। जो उन किताबों में दिया वही पढ़ना है, ठीक है? तो देखते हैं कि इन चारों बुक्स में आपके क्या क्या चीज़ वो है हट चुकी है, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं अपने जो बुक है, समकालीन जो विश्व, यानी भारत और समकालीन विश्व, इसकी बात करते हैं। चारों किताबों की हम बात करेंगे, कितना कट हुआ है और कितना सिलेबस है। तो सबसे पहले इसके बारे में अगर हम बात करें, भारत और समकालीन विश्व भाग दो, इसका भाग एक आप 9th में पढ़ चुके हैं, ये भाग दो है, ठीक है? इस बुक में आपके जितने भी चैप्टर हैं वो सारे आ रहे हैं, मतलब इसमें से एक भी टॉपिक कम नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, जो अपनी ये वाली बुक है इसमें कोई टॉपिक कम नहीं है। ये टॉपिक है और ये सारे आपको पढ़ने हैं। पांच पार्ट है इसमें, पांच के पांच आपको पढ़ने हैं, इसमें एक भी पार्ट कम नहीं हुआ। कौन सी बुक में? भारत और समकालीन विश्व, ये पूरी आ रही है, इसमें कुछ भी कम नहीं हुआ है। अगली बुक देखते हैं अपने, जो है समकालीन भारत, ठीक है? सामाजिक विज्ञान की बुक जो समकालीन भारत है, इसमें क्या कट हुआ उसके बारे में बात करते हैं। अपने इसमें जो चैप्टर दे रखे हैं, टोटल चैप्टर 7 दे रखे थे, इनमें जो चैप्टर हैं किस प्रकार से हटे हैं, कितने हटे हैं और कौन कौन सा टॉपिक हटा, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो अपना पहला है, जो कि है संसाधन एवं विकास, इसमें क्या कम हुआ है देखिए। ये है अपना पहला पार्ट, संसाधन एवं विकास। इसके अंदर अपने ये वाला संसाधनों के प्रकार, ये पॉइंट आपको नहीं पढ़ने हैं, ये आपके इस बार सिलेबस में नहीं है, ये हटा दिया गया है, ये भी हटा दिया गया है। मतलब पेज नंबर 2 और 3 ये आपको नहीं पढ़ने हैं। अच्छे से अगर आपके पास पुरानी वाली किताब है तो नोट कर लीजिएगा, ये आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 2 और 3 पे जो पाठ्य सामग्री है वो आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है ना? ये पेज नंबर 3 है, ये पेज नंबर 2 है, ये पाठ्य सामग्री आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद में जो अपने हैं, बाद में ये वाला सारा पढ़ना है आपको, एजेंडा 21 लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करना है और ये सारे पढ़ने हैं आपको, ठीक है? इसके बाद में जो ये मैप वगैरह सब आएंगे, सब पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। फिर ये वाले जो टॉपिक हैं दो, ये भी नहीं पढ़ने हैं। कौन से? एक भारत के पर्यावरण की दशा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों नई किताब के अंदर ये दोनों पोर्शन है नहीं, ये हटा दिए गए हैं, ठीक है ना? इनका ध्यान रखिएगा, नई वाली किताब में अपने ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, बाकी ये ऊपर वाला है और ये पूरा है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। और इसमें जो पोर्शन हटाया गया है उसके ऊपर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी हमें नहीं पढ़ने हैं। चलिए बात करते हैं अपने तीसरे पार्ट, दूसरे पार्ट की, वन एवं वन्य जीव अभयारण्य। तो ये जो पार्ट है इसमें क्या हटाया देखिए, यहाँ से स्टार्ट करिए, जो चैप्टर शुरू होता है वहीं से, यहाँ से ये जो लिखा हुआ है, कौन सा टॉपिक है, भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात, ये जो लिखा हुआ है ये हटा दिया गया है, ठीक है? और यहाँ से कहाँ तक हटा है देखिए, पेज नंबर 16, 17, 18, ठीक है, 19, ये नहीं पढ़ने आपको, ठीक है ना? और ये 20, पेज नंबर 20 तक जितना भी टॉपिक है वो नहीं पढ़ना। वापस कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, बाघ परियोजना से, ठीक है? यहाँ से फिर अपने को पूरा पढ़ना है आगे, ठीक है ना? इस चैप्टर में ध्यान रखिएगा, पेज नंबर 16, 17, 18, 19, 20, ये 5 पेज इसमें नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद 21वें पेज में बाघ परियोजना, यहाँ से आपको वापस स्टार्ट करना है अपने टॉपिक, ठीक है? ये आगे वाले ये पढ़ना है, ठीक है, और ये भी पढ़ना है, ठीक है? ये क्वेश्चन आंसर आगे। फिर अगला पार्ट है अपना जल संसाधन, पार्ट नंबर 3, इसमें कितना हटा है देखिए। तो ये जो चैप्टर है कंप्लीटली आ रहा है, मतलब इसमें एक भी टॉपिक नहीं कटा है, ये पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है, इसमें से एक भी टॉपिक नहीं हटा है, ठीक है? तो इसके बाद आते हैं अपन चौथे पार्ट पे, ठीक है? चौथा पार्ट देखिए, ये रहा कृषि, चौथा क्या आपने कृषि। ये बुक दिखने में नई भले ही हो, लेकिन क्या है कि बुक्स वितरित की जा चुकी है स्कूलों में, तो समस्या नहीं है। समस्या आपको बस जो चैप्टर या टॉपिक नहीं आ रहे उनको क्रॉस कर दीजिएगा, बाकी यही पढ़नी है, ठीक है? तो चौथा जो पार्ट है अपने कृषि, उसमें क्या आता है तो देखिए, ये पढ़ना है,
ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है? जो पढ़ने वो मैं बता रहा हूँ, और जो हटे हैं वो भी सारे देख रहे हैं, ठीक है? ये और ये मैप आपसे पूछे जाएंगे। फिर पेज नंबर 40-41 पे कोई सामग्री नहीं हटी है आपके, 42-43 पे भी कुछ नहीं हटा है, 44-45 जो पेज संख्या है इसमें भी आपको पूरा पढ़ना है ये टॉपिक, ठीक है? आपके इसमें जो कम हुआ वो देखिए, पेज नंबर 46, यहाँ से जो कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था रोजगार और उत्पादन में योगदान, यहाँ से ये टॉपिक है, ये यहाँ से लगाकर ये पूरा ये और आपके ये लास्ट तक यहाँ तक ये पूरा हट चुका है, ठीक है ना? तो ये पूरा हटा हुआ पोर्शन कौन सा, पेज नंबर 46, 47 और 48, ये तीन जो पेज हैं आपको नहीं पढ़ने, ये तीन पन्ने आपको नहीं पढ़ने। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट, पांचवा जो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, पांचवा पार्ट, इसके बारे में देखते हैं कि इसके जो चैप्टर है इसमें आपके एक भी टॉपिक कट नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये पार्ट है आपको पूरा पढ़ना है, कहने का मतलब पांचवा जो पार्ट है आपके कंप्लीटली आ रहा है, आपके पूरा सिलेबस में है और पूरा आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है? इसके बाद आते हैं हम छठे पार्ट पे। पांचवा पार्ट ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और ये पूरा आ रहा है। छठा अपना है विनिर्माण उद्योग, इसमें से कुछ टॉपिक कम हुए हैं, तो कौन से कम हुए हैं वो देखते हैं। अपने ध्यान रखिएगा इसमें थोड़ा विशेष तौर से ध्यान देना, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक हटे हैं उनमें थोड़ा आप कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, तो देखिएगा। औद्योगिक अवस्थिति, और ये आपको दिख रहा है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, ये टॉपिक और ये पूरा हट चुका है, ठीक है? उसके बाद पेज नंबर 69 पे ये पूरी सामग्री आपको पढ़नी है, ठीक है? इसके बाद में जो नेक्स्ट है आपके पेज नंबर 70, वो पूरा हट चुका है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक जितना भी हट चुका है। लेकिन जो 71 पेज नंबर पे आपके जो मैप है ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना, ये नहीं हटा है। फिर देखिएगा पेज नंबर 72, ये पूरी सामग्री आपके लिए हट चुकी है, और ये 73 वाली ये सामग्री हट चुकी है। 72 और 73 पे जो भी टॉपिक है आपको नहीं पढ़ने हैं, ध्यान रखिएगा। फिर ये मैप फिर से पढ़ना, 74 नंबर पे जो पेज नंबर 74 पे आपके मैप दे रखा है ये आपको पढ़ना है, ठीक है ना? ये मैप आपके सिलेबस में है, और ये जो टॉपिक वापस से 75 पे है ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? ये आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ क्रॉस लगा रखा है, ठीक है ना? ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज नंबर 76 पे है ये भी सामग्री आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, 77 वाली भी नहीं है और 78 वाली सामग्री भी नहीं है। ये तीन पेज जो अभी बताएं वो नहीं पढ़ने हैं। वापस ये जो मैप दे रखा है ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, पेज नंबर 79 पे जो है, ठीक है ना? ये आपके सिलेबस में है। अगला देखते हैं, फिर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आएंगे, ये आपको पढ़ना है, ठीक है ना? 81 पे क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। और फिर नेक्स्ट वाला जो नया पार्ट है उसमें देखिए, पेज नंबर जो पार्ट नंबर जो 7 है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये आपके कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है? सिलेबस में कंप्लीट चैप्टर आ रहा है, पूरा चैप्टर है, इसमें से कुछ भी कम नहीं हुआ है, ठीक है? तो अब इसके बाद में जो भी बचा हुआ है अपनी इस बुक में, इसके बाद में जितने भी हैं उनमें से एक भी टॉपिक कट नहीं हुआ है, आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है? तो ये हो गया अपना जो समकालीन भारत है उसके बारे में। अब बात करते हैं अगले आर्थिक विकास की समझ वाली बुक के बारे में। ये जो है आर्थिक विकास की समझ, 10th क्लास में जो इस बार आपके बुक है उसमें देखिए, इसमें आपके एक भी टॉपिक कम नहीं हुआ, ये पूरी बुक आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। इसमें जो ये पांच पार्ट दे रखे हैं ये पूरे आपके इस बार सिलेबस में हैं। आर्थिक विकास की समझ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इस बुक में कोई भी चेंजेस है नहीं, ये जितने चैप्टर है सारे आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है? इसके बाद में अपनी जो लास्ट बुक होती है लोकतांत्रिक राजनीति, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो लोकतांत्रिक राजनीति है इसमें कुछ चैप्टर हटे हैं, कुछ पॉइंट हटे हैं, ठीक है ना? उनके बारे में देखते हैं। टोटल इसमें आपके पार्ट दे रखे हैं 8, 8 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है ना? टोटल 8 पार्ट है विषय सूची में, इसमें से कितने हटे हैं उसके बारे में देखते हैं। कि अपने पहला जो पार्ट है ये कंप्लीटली आ रहा है, पूरा आ रहा है, इसमें कुछ भी कम नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। पहले पार्ट में कुछ भी कम नहीं हुआ है, ठीक है? फिर आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट जो है संघवाद, इसमें भी कुछ भी कम नहीं हुआ, कंप्लीट चैप्टर आ रहे हैं, ये पूरा चैप्टर आ रहा है, ठीक है? जो तीसरा पार्ट है
जो अपने तीसरा पार्ट है इस बुक का, अध्याय 3, जो लोकतंत्र और विविधता, इसमें कहने का मतलब ये चैप्टर पूरा हटा दिया गया है। तीसरा पार्ट आपको इस बुक में नहीं पढ़ना है। कौन सी लोकतांत्रिक राजनीति जो है उसमें आपको तीसरा पार्ट है वो खोलना भी नहीं है, ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं चौथे पार्ट पे। चौथा जो अपना पार्ट है, जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये जो चैप्टर है इसके अंदर क्या हटाया, देखिए इसके अंदर जो चित्र है वो हटाए गए, बाकी इसमें पढ़ने वाली कोई भी सामग्री हटाई नहीं गई है, अध्याय 4 में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हटाया गया है इसमें, एक तो ये जो चित्र है ये हटा दिया गया है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जो धर्म सांप्रदायिक और राजनीतिक है ये चित्र आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी ये पूरा आपको कंटेंट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में अगला जो दे रखा है कि पेज नंबर 48 पे ये जो चित्र है ये भी हटा दिया गया है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में ये जो डायग्राम है ये भी अपने नहीं है, तो ये ध्यान रखना कि इस पार्ट में जो चौथा है अपना जाति धर्म और लैंगिक मसले उसके अंदर क्या है, 3 चित्र हटाए गए और कुछ भी नहीं हटाए, ठीक है ना, तो उनका ध्यान रखना, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, पांचवा, जो कि है जन संघर्ष और आंदोलन। अब इस चैप्टर में आपको संघर्ष नहीं करना, ये संपूर्ण अध्याय हटाया जा चुका है, ठीक है, इसको आपको नहीं खोलना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला इसके बाद में जो चैप्टर है उसकी बात कर लेते हैं, जो छठा पार्ट है अपने, छठा पार्ट है अपने राजनीतिक दल, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टीज। इसके अंदर क्या है कि ये अध्याय आपके जो है उसमें कुछ टॉपिक, जैसे एक चीज हटाई गई है वो है ये जो है राजनीतिक, राजनीति की नैतिक जो ताकत है, ये पूरा पॉइंट, ठीक है, पेज नंबर नोट कर लीजिएगा, पेज नंबर है अपने 76, 76 आपको विजिबल होंगे, 76 जो यहाँ लिख रखा है सबसे नीचे इस कोने में, ठीक है ना, ये पेज नंबर ये जो है ये पूरा पेज हट चुका है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद में जो अपना सातवां पार्ट है उस पे आते हैं, तो कहने का मतलब छठे पार्ट में तो अपने को एक पृष्ठ संख्या जो 76 है वो नहीं पढ़नी है, बाकी सारा पढ़ना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने आते हैं सातवां पार्ट, लोकतंत्र के परिणाम, ये जो पार्ट है सातवां पार्ट है इसमें से अपने एक भी टॉपिक नहीं हटाए, ठीक है, ये अपने पूरा सिलेबस में है, पूरा अपने को पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने आठवें पार्ट के ऊपर, ये लोकतंत्र की चुनौतियाँ, कोई चुनौती नहीं है अब, ये हटाया जा चुका है, ठीक है ना, तो लोकतंत्र की चुनौतियां हैं ये चैप्टर अपने सिलेबस में इस बार नहीं है, ध्यान रखना। ये अपने टोटल ये चैप्टर थे, इनमें से आपको बता दिया गया, इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी, यहाँ पे आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी नए सिलेबस के बारे में कितना हटा उनके बारे में जानकारी मिले, वीडियो को जितने भी अपने स्कूल वाले ग्रुप हो चाहे जो भी आपके क्लासमेट हो उनके साथ शेयर ज़रूर करें, और ध्यान रखें कि बेहतरीन तैयारी के लिए सही समय अभी तैयारी शुरू करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।